सफर शहादत का पेंडा उसकी विचार करन दा यतन करांगे। आओ सारी संगत प्यार अदब सहित सतगुरां दी बख्शिश फतेह सांझी करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि असीं पहलां विचारिया कि सतगुरां दा परिवार छे सत पोह दी विचकार दी रात नूं श्री आनंदपुर साहिब छड्डन तों बाद विच सत पोह नूं तीन हिस्सों दे विच वंडिया गया। सरसा जिहड़ा कि एक बरसाती नाला है, बरसाती नदी, बरसातां दा पहाड़ां दा पानी इहदे विच बड़ा आउंदा सी। उहनां दिनां दे अंदर पहाड़ां दे विच पै रहियां बरसातां दे कारण सरसा दे विच हड़ वर्गी हालत बनी हुई सी। माता गुजरी जी अते दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दे नाल एक उन्हां दे कोल खच्चर है जिस दे उपर एक खुरजी पाई हुई है, ते माता गुजरी जी दे कोल कोई थोड़ा बहुता कोई धन है उन्हां दे कोल। ये सतसंग जी परिवार दे तिन्ने जी सरसा दे कंडे कंडे तुर पैंदे हन। सरसा इन्हां दे कोलों पार नहीं हुंदी, सरसा दे कंडे कंडे तुरदे ये उस थां ते पहुँच जांदे हन जिथे सरसा सतलुज दरिया दे विच समा जांदी है। सात संगत अल्लाह यार खां जोगी जी लिखते हैं, जोरावर और फतेह सिंह जो दादी के साथ थे, दाई की जगह चल दिए वो बाएं हाथ थे। भाव के जिधर नू जाण दा सारा प्लान बनिया सी उधर नू ना जा सके ते दूजे पासे नू उन्हां नू जाना पिया। कल दा जिहड़ा दिन लंघिया है सत पोह दा दिन, ये सारे दा सारा दिन सात संगत साहिबजादे अते माता गुजरी जी सरसा तो लैके पिंड चक ढेरां विखे बाबा कुमा माशकी जी दी छन तक दा सफर करदे हन। कदी झाड़ियां दे विच लुकना, कदी होर तरीकियां नाल अपने आप नूं बचा के शाम दे वेले उस पत्तण ते पहुँचदे ने जिथे सरसा सतलुज दे विच समाउंदी है। ते इत्थे एक साध संगत जी झुग्गी चौंपड़ी एक कुल्ली बनी हुई है, छन बनी हुई है, जिस छन दे विच बाबा कुम्मा माशकी जी रहिंदे हन। असल दे विच इन्हां दा नाम करीम बख्श है। ये हुण भावें मुसलमान हन, ये पहलां हिंदू हुंदे सन। इन्हां दा नाम हुंदा सी करमचंद। इन्हां नूं भी जबरदस्ती इस्लाम धारण करवा के इन्हां नूं मुसलमान बनाया गया। ये जिथे मलाह दा काम करदे सन, पत्तन तों पार लंघाउंदे सन लोकां नूं, उत्थे ही नाल ही पानी दियां मशकां भरन दा भी काम करदे सन, तां करके कुम्मा माशकी जी इन्हां नूं आखिया जांदा है। सात संगत एक इत्थे पहलां ही बेनती करदा जावां कि जिहड़ा सरसा तों लै के सरहंद तक दा जो सफ़र है छोटे साहिबजादियां ते माता गुजरी जी दा, इहदे बाबत एक तां साडी रवायत चलदी ये आ रही है, जो सफ़रे शहादत दे समागम भी हुंदे हन, रात भी समागम हो रहा सी पिंड चक ढेरा बाबा कुम्मा माशकी जी दे याद दे विच जो गुरद्वारा साहिब बनिया उत्थे, अज दा समागम जिहड़ा उस सहेड़ी पिंड विखे है गंगू दे घर जिथे रहे सन माता जी अते साहिबजादे, कल दा समागम होना है मरिंडे जिथे कोतवाली दे विच रात रखिया गया सी, ते फिर उस तों बाद विच तीन रातां ठंडे बुरज दे विच, ते फिर उस तों अगले दिन 13 पोह नूं शहादत हुंदी है। ये साडी रवायत मन्नी जांदी है, ये साडी परंपरा मन्नी जांदी है कि इदां सारा कुछ होया। भावें कि कुछ नवें इतिहासकारां ने विच एक दो थावां होरां दा भी हवाला दिता कि सरहंद पहुँचन तो पहलां पहलां साहिबजादियां ते माता गुजरी जी ने उत्थे भी रातां गुजारियां,
पर वो एक दो जाणिया दे हवाले हन। बहुतांत दे विच इहो ही मन्निया जांदा कि एक रात पिंड चक ढेरा, अगली गंगू दे घर, उत्तों अगली मरिंडे ठाणे, ते उत्तों बाद विच तीन रातां ठंडे बुरज दे विच, ते उत्तों अगले दिन फिर शहादत हुंदी है। जदों माता गुजरी जी अते साहिबजादे बाबे कुम्मे माशकी दी छन च पहुँचते हैं, उत्थे देखते ने दीवा जग रहा। माता जी साहिबजादियां नूं लैके जांदे ने। बाबा कुम्मा माशकी जी जदों पुछदे हन, माता जी दसदे ने सारा वरतांत। बाबा कुम्मा माशकी जी दीआं अक्खां दे विचों साध संगत जी जल वगदा, चरणां दे उपर नमस्कार करदे हन। जो भी निक सुख बाबा कुम्मा माशकी जी दी छन दे विच है, उहदे नाल सेवा करदे हन माता गुजरी जी अते साहिबजादियां दी। कहिंदे कि माता जी अते साहिबजादियां नूं हुण दरिया दे कंडे छन है, ते दरिया दे कंडे उस अपनी कुल्ली दे विच, अपनी छन दे विच बाबा कुम्मा माशकी जी माता गुजरी अते साहिबजादियां नूं लिटा देंदे हन, आराम करन देंदे हन, ते आप उपर कोई कपड़ा लैके ते छन तों बाहर सौंदे हन, ता कि एक तो उन्होंने आराम मिल सके, दूजा नाल आप थोड़ी जी बड़क भी रख सकन, कोई थोड़ा जिहा पहरा भी रख सकन कि कोई मुगल सिपाही तो नहीं इधर नूं आउंदा। सारी रात बाबे कुम्मे माशकी ने उस छन दे बाहर आप कट्टी साहिबजादियां अते माता गुजरी जी की पहरेदारी दे विच। सा संगत उस शाम नूं पहला बाबा कुम्मा माशकी जी लागे दे एक होर नगर तों बीबी लक्ष्मी है एक उहदे घरों प्रशादा लैके आउंदे ने, ते बीबी लक्ष्मी कहिंदी है भी हुण जो निक सुक है तुसीं लै जाओ, अगले दिन मैं आप तैयार करके लियावांगी। आ जिहड़ा हुण दिन चढ़िया अज दा, इस दिन साध संगत बीबी लक्ष्मी अपने हत्थीं प्रशादा तैयार करके लैके आउंदी है। साहिबजादियां नूं अते माता गुजरी जी नूं बड़े ही प्यार दे नाल ओह बीबी लक्ष्मी जी प्रशादा छकाउंदे ने। ते अज दे ही दिन साध संगत भुल्लिया भटकिया होया, राहां दे विच खुंझिया होया, पाप बिरती नूं अपने मन दे विच लै के गंगू ब्राह्मण भी इत्थे बाबे कुम्मे माशकी दी छान ते ही पहुँच जांदा है। जदों इत्थे पहुँचदा साहिबजादे बाबे कुम्मे माशकी दी छन दे विच जिन्ना रात कट्टी है बिखड़े पैंडे हन। हुण आप अंदाजा लाओ कि उमरां उस समय, कुछ विद्वानां ने लिखियां हन 7 अते 9 साल, ते किसे ने 5 अते 7 साल, लगभग जिहड़ी है वह 8-9 साल तो वध उमर जिहड़ी उह वड्डे साहिबजादे दी नहीं हैगी, ते 6-7 साल दे लागे उमर छोटे साहिबजादे दी है। हुण इन्नी छोटी उम्र दे विच जदों एक ऐसे इंसान नूं देखदे हन जिहड़ा इंसान आनंदपुर साहिब दे विच हमेशा ही उहनां दीआं अखां दे सामने रिहा है, गंगू ब्राह्मण, क्योंकि गंगू ब्राह्मण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे घर दा रसोईआ है, बड़ा लम्मा समां उत्थे इहने नौकरी कीती है, बड़ा लम्मा समा गुरु घर दा इन्ने लूण खादा है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे परिवार की खिदमत दे विच उत्थी रहा है। जदों नन्ने साहिबजादे उस पापी गंगू ब्राह्मण नूं देखदे ने, ते उहनां दे मन दे विच थोड़ा जिहा सुकून हुंदा कि चलो कोई अपनी जान पछाण वाला ते सानूं मिल गया। जदों ये मन दे विच आउंदा है, माता गुजरी जी जदों उहनूं पुछदे ने, उह कहिंदा है कि मैं भी इदां राहां दे विच भटकदा होया सरसा तो विछड़ के इधर नूं आ गया। माता गुजरी जी उस गंगू नूं कहिंदे ने कि तू तेरा इलाका ये है, तू इदा कर के सानू रोपड़ लै जा, सानू निहंग खान दे कोल लै जा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे सन कि सारियाने निहंग खान दे कोल पहलां पहुँचना है, क्योंकि निहंग खान गुरु घर का शरधालू है। जिस निहंग खान के बारे असी पिछले दिनों के विचार भी की है, जिथे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सिखां समेत गए सन, वो कहिंदा है कि ठीक है जी मैं तुहानू उत्थे लै जाना, पर उहदे मन दे विच पाप हुंदा, ते उहदे उस पाप दी अंदर जिहड़ी साध संगत उहदे अंदर पाप दा बालन भरिया पिया वा ना, जिहड़ा लालच दा बालन भरिया पिया,
उस बालण नूं मिलदी है एक चंगियारी उदों जदों माता गुजरी जी अते साहिबजादिया नूं बाबा कुम्मा माशकी सतलुज दरिया पार कराउण लगदा ना ते पहला माता गुजरी जी बीबी लक्ष्मी नूं बड़ियां असीसां देंदे ने। बीबी लक्ष्मी नूं बड़ियां असीसां दित्तियां। अज वी जाइए उस इलाके दे विच चक ढेरां पिंड जो किताबां दे विच लिखिया मिलदा कि बीबी लक्ष्मी दे नाम ते उत्थे गेट बने हुए ने सत्संग। जदों बाबा कुम्मा माशकी इन्हां नूं दरिया दा पत्तन पार करवा दिंदा ते कहिंदे उत्थे इक पिलकण दा रुख है जिथे हुण 100 फुट उच्चा निशान साहब झूल रहा ते कहिंदे रुख उदों दा है ते अज वी हैगा। उस रुख दे लागे साहिबजादिआं नूं ते माता गुजरी जी नूं गंगू ब्राह्मण नूं उस कंडे पहुँचाउंदा ते माता गुजरी जी अपनी थैली दे विच्चों कोई एक दो सोने दीआं मोहरां कढ के बाबे कुम्मे माशकी नूं दिंदे ने ते जिहड़ा पापी गंगू जिहदे अंदर पहलां ही जिहदी नीयत खोटी है जिहड़ी उहदे अंदर बेईमानी दी अग है उस अग दे उपर होर तेल पैंदा जदों मोहरां दी थैली नूं प्रतख वेख लैंदा उत्थे उहदे मन दे अंदर जिहड़ा पहलां तों लालच भरिया आया उस लालच नूं होर बढ़ावा मिलदा है। बाबा कुम्मा माशकी हाथ जोड़ के कहिंदे माता जी मैं ये मोहरां नहीं लैणियां। माता जी कहन लगे कि ये मोहरां जिहड़ियां ये तेरी सेवा दे बदले नहीं, जिहड़ी तू सेवा कीती है बाबा कुम्मा माशकी उस सेवा दा ते मैं मुल तार ही नहीं सकदी। ये तेरी सेवा दे बदले मैं तैनूं कुछ नहीं दे रही, ये सिर्फ एक मां दीआं एक पुत दे वास्ते असीसां ने। जदों ये गल कही बाबे कुम्मे माशकी जी ने वो मोहरां प्रवान कीतियां। इत्थों माता गुजरी जी साहिबजादे अते वो पापी गंगू ब्राह्मण उस गंगू ब्राह्मण दे पिछे पिछे जंगल दे विच तुर पैंदे हन। सा संगत एक गल दा आप ख्याल करो, एक रात पिंड चक ढेरां दी जूह दे विच बाबे कुम्मे माशकी दी छण दे विच भी गुजारी है ते एक रात गंगू ब्राह्मण दे घर दे विच भी गुजारी है। पर जिहड़े गंगू ब्राह्मण ने मन दे विच लालच कीता अज उहनूं लालतां पैंदियां ने ते जिस बाबे कुम्मे माशकी ने बड़े प्यार बड़ी श्रद्धा दे नाल सेवा कीती अज उस बाबे कुम्मे माशकी जी दी याद दे विच उस पिंड दे विच गुरद्वारा साहिब बनिया होया। उत्थे संगतां जाके सीस झुकाउंदियां ने, उत्थे संगतां बाबे कुम्मे माशकी दी उस कीती हुई महान सेवा नूं याद करदियां हन। ये पापी गंगू ब्राह्मण इहदे मन दे विच हुण पाप है, ये इत्थों परिवार विछोड़े तों जदों तुरदा इधर नूं आउंदा इत्थों चक ढेरां तों लै के ते रोपड़ वाल नूं पहलां तुर पैंदा। हुण इस सारे जे असीं उस इलाके दी जिहड़ी उहदी मैपिंग करिए उस इलाके नूं जे देखिए ना ते जिन्ना कु पैंडा परिवार विछोड़े तों चक ढेरां दा इन्नी कु ही दूर जिहड़ा उह रोपड़ शहर है उत्थों लगभग 10-11 किलोमीटर दी वाट है, कोई बहुती ज़्यादा नहीं। पर इहदे मन दे विच लालच है, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਨਾ
बाबा कह के उन्होंने याद करना है। सतगुरु पातशाह जी के दोने लाल भावें कि साढ़े बाबे हैं पर उम्र का जेकर असी हिसाब लाइए तो 7-8-9 साल की उम्र कोई बहुती ज़्यादा नहीं होंगी। हुण साहिबजादियां नूं इस गल का इलम नहीं है कि की वापर रहा, चार चुफेरे की घटनाक्रम बनिया होया है। उन्हां दे मन दे विच अजे भी एक आस लगी हुई है कि जेड़ा साडा परिवार पिछे साडे तों विछड़ गया वो जरूर सानूं लभदा लभाउंदा होया साडे कोल पहुँचेगा, जरूर पहुँचेगा साडे कोल। ते अल्लाह यार खान जोगी ने इत्थे बड़ी कमाल दी गल दिखी, कहिंदे जदों तुरे जांदे ने ना तो दोवें साहिबजादे आपस दे विच गल्लां करदे आ ते नाले दादी मां नूं भी पुछदे आ की पुछदे आ, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाए सूर ते माही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए। अपनी दादी मां नूं पुछदे हन दोवें साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी के दादी मां जेड़े साडे नाल आनंदपुर साहब तो इन्ने राही आए सानू किधर चले गए, वो सिपाही किधर चले गए, दरिया ते सानू कल्या नू छड़ के बाकी सारे किधर चले गए ने, साडियां इन्ना सोहणियां सूरतां तड़फा रहे ने वो किधर चले गए ने। सा संगत दोनों आपस दे विच फिर गल्लां बातां करदे ने, तड़पा के हाए सूरते माही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए जौके जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जौके तुफंग में। हुण दोवें आपस दे विच गल्लां करदे ने, कहिंदे भी आ चंगी गल बनी कि साडे वड्डे भरा जिहड़े साडे वड्डे भरा सानूं एक पल वास्ते भी अपनियां अखां तों ओले नहीं करदे सन, ओह साडे वड्डे भरा सानूं पता आ कि उहनां नूं बड़ा जंग दा शौक है, जंग देख के शस्त्र देख के उन्होंने चाह चढ़ जाता, चेहरे ते लाली चढ़ जाती, सानू पता आ। पर ऐदा भी कादा चाह के छोटिया भरावां नूं ही भुल गए, भाई भी हमको भूल गए जौके जंग में, साढ़े भरा भी सानू भुल गए, अपना ख्याल तक नहीं जौके तुफंग में। फिर अगे हुण ये दोवें साहिबजादे आपस दे विच गल्लां करदे ने ते अगे कहिंदे ने, जब रण अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुजार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, पिता कभी माता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले से लगा के कहेंगे वो बार बार मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जीन हर। दोवें आपस दे विच गल्लां कर रहे ने, कहिंदे के जदों साडे भरा वो जंग जित के जदों साडे कोल आउणगे ना, नाल साडे पिता जी जदों आउणगे, साडी मां साडे कोल जदों आवेगी, आपां नहीं इन्हां दे नाल बोलणा, असी रुस जाणा इन्हां दे नाल, असी नहीं इन्हां दे नाल बोलणा जिन्हां ने सानूं इदां ही जंगल दे विच छड्ड दित्ता, ये जदों आउणगे आपां रुस जाणा इन्हां दे नाल, पिता कभी माता कभी भाई बनाएंगे, हमको गले से लगा के कहेंगे वो बार बार, सानू उन्हां अपने गले नाल लगा, एक दूजे नाल गल्लां कर रहे ने, कहिंदे उन्हां सानू अपने गले नाल लगाउणा, अपने सीने नाल लगाउणा, ते जिवें मां प्यो बच्चियां नूं मनाउंदे हुंदे ना सानू लाडां दे नाल उन्हां ने मनाउणा ही, पर असी नहीं मनना, असी उन्हां दे नाल रुस्से रहना। फिर आपस दे विच कहिंदे ने, फिर मन जावांगे पर पहलां इकरार लवांगे, वादा लवांगे, इकरार लेंगे सबसे, ना भुलाना फिर कभी, बारे दिगर ज्यों छोड़ के ना सताना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के ना जाना फिर कभी, कह देते हैं जो हंस के ना रुलाना फिर कभी। कहिंदे फिर मन जावांगे, असी उन्हां दे नाल रुसांगे नहीं जेकर वो साडे नाल वादा करन पी सानू दोबारा कदे छड़ के ना जाणगे। हुण जदों बच्चे आपस दे विच गल्लां करदे ने, दादी माँ सुणदी है, जदों बच्चों की गुफ्तगू सुनी जो वाला शान ने, वाला शान दा पाव उच्ची शान वाली दादी माँ गुजर कौर, बच्चों की गुफ्तगू सुनी जो वाला शान ने बे इख्तियार ही रो दिया उस दादी जान ने, उस वाला शान ने। जदों माता गुजरी जी ने बच्चियां दी आपसी गलबात सुनी, बच्चों की गुफ्तगू सुनी जो दादी जान ने बे इख्तियार ही रो दिया उस वाला शान ने, माता गुजरी जी दियां अखां दे विचों पानी वह तुरिया, क्योंकि माता गुजरी जी नूं सारा पता है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾ ਸੰਗਤ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਪੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੇੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਨੌਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਪੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ। ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੋਰੀਆ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪਾਪੀ ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੋ ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆਇਓ, ਹਮਰੇ ਕਾਗਣਾ ਕੂਕਰ ਖਾਇਓ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਮਰੇ ਕਾਗਣਾ ਕੂਕਰ ਖਾਇਓ, ਨਾ ਕਾਂ ਨਾ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਗੰਗੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਖਾਸੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਹ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮਾਇਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਹ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
जिहड़ी दौलत दा लालच करके इन्हें पाप कमाया वो दौलत इहदी नहीं बनती सगों इहदी मौत दा कारण बनती है। सा संगत ये पहुँचता है रौला पाउंदा लागे मरिंडा ठाणा है, 3-4 किलोमीटर मरिंडा है, उत्थों मरिंडे कोतवाली जाके खबर देंदा है। मरिंडे तो आउंदे हन जानी खां मानी खां दो सिपाही आउंदे ने ते साहिबजादियां अते माता गुजरी जी नूं इत्थों गिरफ्तार करके लै जांदे हन। हुण जिहड़ा गिरफ्तार करके लै के जाण दा हवाला आ, दूना सिंह हंडोरिया जी लिखदे ने कि इदां ही नहीं कि उहनां नूं बस गिरफ्तार कीता ते लै गए। माता गुजरी जी की उम्र उस समय 85 साल की है सा संगत, तो इस 85 साल की उम्र के कहिंदे माता गुजरी जी को संगलां दे नाल जकड़ के एक गड्ढे के उपर सुटिया गया। उन्हां साहिबजादियां नूं बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी नूं बोरियां दे विच बंद करके उत्तों मूँह बोरियां दे बंद करके गड्ढियां दे उपर सुटिया गया, मरिंडे थाने खड़िया गया। अगली जिहड़ी रात है सा संगत, 7 पोह की रात चक ढेरां कट्टी, 8 पोह की रात पापी गंगू ब्राह्मण दे घर कटदे हन, ते 9 पोह की जिहड़ी रात है सा संगत वह मरिंडे थाने विखे रात जेल दे विच कटदे हन, जिथे प्रशादा जां पानी ते की मिलना उल्टा सारी रात तशद्दद कीता जांदा। हुण तुसीं एक ख्याल करियो, वजीर खां ने साहिबजादियां ते माता गुजरी जी नूं 3 दिन ठंडे बुरज दे विच रखिया, अगले दिन जाके शहीद किया 4th दिन। 3 रातां उन्हें ठंडे बुरज दे विच रखिया, 3 दिन कचहरी दे विच पेशी हुंदी रही है, 3 दिन उन्हें ला दिते शहीद करन वास्ते। क्यों? क्योंकि वह ये चाहुंदा सी भी किसे ना किसे तरीके दे नाल मैं गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चियां नूं मुसलमान बना लवां, है ते अक्सर छोटे जे बच्चे ही ना, मैं इन्हां नूं मुसलमान बना लवां ते मेरी इहदे विच बड़ी तगड़ी जित होवेगी। ते जे वजीर खां उन्हां नूं 3 दिन जिउंदे रख के ये कोशिशां कर सकदा आ, ते जिन्हां दे कोल पहलां साहिबजादे आए सन मरिंडे थाने वाले उन्हां दे कोल एक रात गए ते उन्हां कोई घट थोड़ा कीती होवेगी। भाई दूना सिंह हंडोरिया लिखते ने कहिंदे साहिबजादियां नूं संगलां दे नाल जकड़िया गया, उन्हां दे नन्ने कोमल हत्थां दे उपर शमकां मारियां गईयां, तशद्दद साहिबजादियां ते अते माता गुजरी जी दे उपर सारी रात, वो रात कोई सौखी नहीं कट्टी गई, वो सारी रात उन्हां दी तशद्दद दे विच ही लंघी है। क्योंकि वह जानी खां मानी खां उन्होंने पूरी कोशिश की भी असी इन्हां बच्चियां नूं जेकर मुसलमान बना लवांगे, असी इन्हां बच्चियां नूं जेकर ईन मना लवांगे तो सूबा साडे ते बड़ा खुश होवेगा, सानू बड़े इनाम देवेगा। सारी रात वह तशद्दद सहिंदिआं लंघदी है ते उत्थों जदों वजीर खां नूं खबर पहुँचदी है, अगले दिन वजीर खां हुक्म करदा भी इन्हां नूं सरहंद पहुँचाओ। अगले दिन सात संगत जी फिर गड्डियां दे उपर बिठा के, बैल गड्डियां दे उपर बिठा के माता गुजरी जी अते दोवें छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद पहुँचा दिता जांदा, जिथे सरहंद दे ठंडे बुरज दे विच 3 रातां माता गुजरी जी अते दोवें छोटे साहिबजादे 3 रातां गुजारदे ने। ठंडा बुरज की है? एक उच्चा चबूतरा जिहड़ा बिल्कुल थम्मां दे उपर खड़ा, जिहदी कोई कंध नहीं कोई पर्दा नहीं, उहदे आले दुआले ठंडे पानी की खाई मारी गई है जिहदे विच पानी भरिया होया। वह बनाया इस वास्ते हुंदा सी एक उच्चा थां वजीर खां ने अपने ऐशो आराम वास्ते कि जदों गर्मियां दा मौसम आवे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। 3 ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।